नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सत्य अग्नि न्यूज चैनल स्टूडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश में किसान आंदोलन की बात चल रही है। संसद में जो किसानों के लिए जो बिल पास किए गए हैं वह किसानों के हित के खिलाफ, इस कारण से हमारे देश के किसान भाई आक्रोश से परिपूर्ण है। इन्हीं के विषय पर आज हम आप सबको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने किसान भाइयों पर होने वाले अत्याचार के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राम पुण्यानी जी की, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई के साथ संबंधित बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पूर्व प्रोफेसर और पूर्व सीनियर मेडिकल अफसर हैं। दिल्ली में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और किसानों का ये आंदोलन सरकार के 3 कृषि विधेयक, 3 फार्मर्स लॉज जो सरकार ने जल्दबाजी में पास करवाए, उनके विरोध में हो रहा है। ये कानून के बारे में किसान लोगों की ये समझ है, किसानों की ये जानकारी है, किसानों को ये लगता है कि उनकी जो उत्पादन की चीजें हैं उनके लिए अभी तक जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकाल दिया जाएगा और उन्हें वैसे आजादी दी जाएगी कि वो जहां चाहें अपना उत्पादन बेच सकते हैं, ऐसा सरकार का तथ्य है। दूसरा, इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी एक प्रथा लागू करने का इरादा सरकार का है। अब जहां तक पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में बहुत जगह के किसान दिल्ली में जमा हो रहे हैं, उन्हें ये महसूस हो रहा है कि ये जो नई व्यवस्था आने वाली है उससे, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके आधार पर आज की कृषि व्यवस्था जुड़ी हुई है, उसके बदले जब वो मजबूर होंगे उस समय बड़े व्यापारी उनका उत्पादन औने पौने दाम पर खरीद कर बाद में उसको जमाखोरी करके महंगी कीमतों पर जनता को देंगे। तो इससे, इस नए कानूनों से 2 प्रकार के नुकसान होने की संभावना है। एक तो किसानों की जो आर्थिक हालत है वो पहले से खराब हो जाएगी और दूसरे, आम जनता के लिए जो उत्पादन है, चीजें हैं, वो भी पहले से महंगी हो जाएंगी। अब जब से ये आंदोलन चालू हुआ है बहुत सारे किसान, खासतौर से पहले पंजाब से आए, उसमें सिख बहुत थे, सरदार बहुत थे, दूसरे किसान आंदोलनों ने जान आना शुरू कर दिया है। इसमें राजनीति का कोई भी भाग नहीं है, उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसमें आने से मना कर दिया है और बहुत सारे किसान संगठन जो किसानों के भलाई के लिए, किसानों के मांगों के लिए सालों से संघर्ष कर रहे थे, उनका मंच बना है जिस आधार पे वो जगह जगह पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ हजारों की संख्या में किसान जमा हुए हैं और उन किसानों ने अपनी मांगों को अलग तरीके से, पूरे स्पष्टता से सरकार के सामने रखा है। वैसे तो सरकार ने 2-3 बार उनसे बातचीत की है, सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनसे 2-3 बार बात की है, पर उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही है कि इन कानूनों को हम वापस नहीं लेंगे। अब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि किसानों से जो वार्तालाप है, किसानों से जो संवाद है, उसको ज्यादा विकसित करने के बदले सरकार का उद्देश्य रहा है कि इस आंदोलन को ही बदनाम करना और ये सरकार की रूलिंग पार्टी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे जो बाकी संगठन हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो फेक न्यूज चलाते हैं, जो दूसरी चीजें चलाते हैं, उनके माध्यम से इस आंदोलन को एंटी नेशनल, खालिस्तानी, पाकिस्तान चाइना द्वारा समर्थित, इस आंदोलन में अर्बन नक्सल्स हैं, वामपंथी हैं, ये कहके इस आंदोलन को पूरी तौर से बदनाम करने की कोशिश रूलिंग पार्टी के बाकी जो संगठन हैं वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और जहां तक चर्चा का सवाल है, प्रधानमंत्री खुद चर्चा में नहीं आए और किसानों के प्रतिनिधियों की ये मांग रही है कि वो इन कानूनों को वापस लिया जाए और जो चीजें जनता चाहती है, किसान लोग चाहते हैं, उसको सुनकर ही नए प्रकार की चीजों को अगर लाना है तो लाया जाए। इसमें ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी दखल ली और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अच्छी बात कही
और उन्होंने ये कही बात कही कि जो कमेटी ये कानून बनाएगी उस कानून में कृषिविद जो कृषि की बहुत जानकारी रखते हैं जैसे पी साईनाथ वो भी इसमें होना चाहिए। और सरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि तब तक जब तक ये कमेटी की बात स्पष्ट रूप से नहीं होती तब तक इसको सस्पेंड किया जाए, ये कानूनों को लागू नहीं किया जाए। अब दूसरी तरफ से कई सालों बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में विकसित हुए होते हुए दिख रहा है। इस आंदोलन में किसानों का जोश बहुत जबरदस्त है, किसान अपने काम में मौजूद एक मजबूत तरीके से अड़े हुए हैं और उनकी मुख्य मांगे जो हैं वो अपनी आर्थिक व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए हैं। ऐसे समय में कोई भी लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य है कि वो अपनी जनता के एक तबके के, इसमें तो एक बहुत महत्वपूर्ण तबका है, ये बहुत खुशी की बात है कि आज उनको लोग अन्नदाता कह के संबोधित करते हैं। सामंती समाज में तो उन्हें अन्नदाता भी नहीं कहा जाता था और ये अन्नदाता हमारे जो पूरे समाज का भरण पोषण कर रहे हैं उनके लिए बातचीत करना ये सब बहुत जरूरी है। यहां ये भी बात मैं रेखांकित कर दूं कि ज्यादातर विरोधी पार्टियों ने किसानों की मांगों का समर्थन किया है पर यह सरकार चूंकि इसमें जैसे जस्टिस एपी शाह ने बताया ये एक प्रकार से अथॉरिटेरियन तानाशाही के रास्ते पे काम करती है कर रही है, इसमें वार्तालाप चर्चा की ज्यादा कोई जगह नहीं है, इसलिए ये जनता क्या चाहती है उस पर इनका ज्यादा ध्यान नहीं है। वैसे भी जो सरकार सांप्रदायिकता की नीतियों पर चलती है, धर्म के नाम पर राज करती है, उसका कॉरपोरेट वर्ल्ड बड़े उद्योगपतियों से एक गहरा ताल्लुक रहता है और अभी ज्यादा ये सबकी समझ में आ गया है कि सरकार जो नीतियां बना रही हैं कृषि क्षेत्र में उससे मुख्य रूप से अंबानी अडानी और ऐसे बड़े उद्योगपति जो कृषि से संबंधित चीजों का व्यापार कर रहे हैं ये मुख्य रूप से उनका फायदा होगा, इसमें किसानों का किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं है। अब जब पूरे किसान इस बात को विरोध कर रहे हैं तो सरकार इस बात पे क्यों अड़ी है कि हम कानून को वापस नहीं लेंगे वगैरह वगैरह। तो इसमें दो चीजों का हमको ख्याल रखना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार की सरकार है वो एक विशेष धर्म के आधार पर राज्य करना चाहती है और इस ऐसी सरकार को अथॉरिटेरियनिज्म यानी एक तानाशाही के रूप में वो काम करते हैं, दूसरा बड़े उद्योगपतियों से उनका एक बहुत बड़ा तालमेल रहता है, ये दो चीजों के चलते सरकार अपनी बात से पीछे हटने के लिए कतरा रही है। वैसे लोकतांत्रिक समस्या में सरकार का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, जनता के मुद्दे ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए और ऐसे में अपील ये होना चाहिए कि सरकार किसानों से बात करे, इन कानूनों को वापस ले और जिससे किसानों को फायदा होता है जिससे आम लोगों को फायदा हो ऐसी चीजों को करने के लिए सरकार सामने आए ताकि एक तरफ किसानों का ये आंदोलन समाप्त हो और दूसरी तरफ से एक ऐसी अच्छी आर्थिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें किसानों का शोषण न हो, जिसमें आम जनता को चीजें उचित दामों पर मिले और इसके आधार पर हमारे लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत हो। यहां इस आंदोलन में एक और भी बात देखने को आई है कि हमारे लोकतंत्र के जो उच्चतम मूल्य हैं उनके आधार पर किसानों के बड़े संगठन आपस में मिलजुल रहे हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही मंच पर आकर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों का ये आंदोलन जिसके समर्थन के लिए देश की बहुसंख्यक जनता है, जिसके समर्थन में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं और तो और भारतीय जनता पार्टी के अंदर के भी कई बड़े लीडर इनके आंदोलन की मांगों का समर्थन कर रहे हैं, तो इन सब के चीते चलते सरकार ने इन कानूनों को वापस लेकर जनता की बातों को सुनना चाहिए और किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए सामने आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।